नमस्कार, मैं हूं शिरीष उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबरदार। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बच्चा चोर समझकर बूट पॉलिश करने वाले शख्स की धुनाई। बच्चा चोर होने के शक में सोलापुर में एक मोची की लोगों ने धुनाई कर दी। फिलहाल जख्मी हालत में बूट पॉलिश करने वाले मोची को शहर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना नीलम नगर में घटी है। महाराष्ट्र के अन्य शहरों की तरह यहाँ भी बच्चों की चोरी होने की अफवाहें सोशल मीडिया पर खूब वायरल होने से लोग अपने बच्चों को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसी वजह से जरा सा भी शक होने पर वे मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं। इस तरह की अफवाहों की वजह से आज सोलापुर में मोची की लोगों ने पिटाई कर उसे जख्मी कर दिया। और अधिक जानकारी लेते हैं सोलापुर में मौजूद खबरदार संवाददाता शाहजहान अतार जी से। शाहजहान जी, क्या खबर है, किस तरह से अफवाह फैल गई और लोगों को शक कैसे हो गया उस पे? अभी पूरे महाराष्ट्र भर में बच्चों को लूटने वाली चोर मौजूद है। ये अफवाह इतनी फैल गई है कि और सोशल मीडिया पर वो वायरल होने की वजह से हर आदमी की तरफ शक से देखा जा रहा है। देखा जाए तो कल सोलापुर शहर के नीलम नगर में एक मोची अपना काम कर रहा था, लोगों ने उसको शक किया और यही वो तो उस टोली का सूत्रधार है। ये समझ कर लोगों ने उसकी भरपूर पिटाई की। पिटाई करने के बाद उसको MIDC पुलिस थाने में भर्ती कर दिया। जब उसकी पूछताछ वहाँ की पुलिस ने कर दी तब वो यहाँ का ही सोलापुर शहर का रहने वाला है और मोची का काम करके अपना गुजारा चल रहा है। ये बात सामने आने पर उसे सोलापुर शहर के सिविल अस्पताल में भर्ती कर दिया, मगर लोगों ने उसकी इतनी पिटाई की अभी भी उसकी हालत गंभीर है। नहीं जी जी, लेकिन ये जो पिटाई करने वाले जो लोग थे उनके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई की जा रही है क्या पुलिस द्वारा? अन्य लोगों के खिलाफ MIDC पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है। अभी वो जब बताएगा कि कौन कौन से लोग थे, देखा जाए तो अनजान लोगों ने उसको पीटा है और वो शहर में रहने वाला है, मगर हर बस्ती के नाम वो नहीं जान पाएगा। जब पुलिस इंक्वायरी होगी तब ये मामला सामने आ जाएगा। और जो यहाँ की वीडियो भी कुछ देखने को मिल रहा है क्या वहाँ पे उसके साथ जो मारपीट की गई? हाँ बिल्कुल सही है, आजकल पूरे शहर में, सोलापुर शहर ही नहीं बस पूरे राज्य भर में इस तरह के वीडियो वायरल होते जा रहे हैं। लोगों ने उसके पिटाई के भी वीडियो वायरल किया है, वही भी आपको देखने मिल सकता है। मगर जब जांच होगी, अभी जो जानने वाला आदमी भी है, अच्छा आदमी भी है, जो पढ़ा लिखा आदमी है, वो वही भी आदमी इसकी जान पहचान पड़ताल नहीं करते हुए भी आगे भेज रहा है। देखा जाए इसमें पुलिस ने जिस व्हाट्सएप पर ये मैसेज वायरल हो रहे हैं उन पर कार्रवाई करने की सख्त जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहजहान अतार जी, ये जानकारी देने के लिए। सोलापुर से शाहजहान अतार जानकारी दे रहे थे कि मोची को बच्चा चोर समझकर लोगों ने पिटाई कर दी, उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बहुत शुक्रिया। देखते रहिए खबरदार।